हेलो दोस्तों, आज हम आपको बात करेंगे पिस्टन रिंग और ब्लॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पिस्टन रिंग को कैसे चेक करते हैं। ये देखिए, रिंग को पूरा अच्छी तरह बैठाया और पिस्टन से थोड़ा सपोज कीजिए लेवल में आ जाए और देखिए कि उसके बीच में कितना गैप बन रहा है। ये देखिए, मेरे हाथ में जो है ये टॉप रिंग है, इसको हम कंप्रेसर रिंग भी बोलते हैं। अपने इंजन में पिस्टन पर तीन टाइप का रिंग लगता है। आपका एक फर्स्ट हो गया टॉप रिंग, जिसको हम कंप्रेसर रिंग भी बोलते हैं। दूसरा हो जाता है अपना स्क्रैपर रिंग और तीसरा होता है अपना ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का काम होता है जो अपना ऑयल को सिलेंडर वॉल को लुब्रिकेट करना, और स्क्रैपर रिंग का होता है काम होता है जो ऑयल होता है उसको पूरी तरह स्क्रैप करके नीचे लाना, जैसे कि ऑयल आपका कंप्रेशन चैम्बर में ना जा पाए। और कंप्रेशन रिंग का काम होता है जो आपका कंप्रेशन गैसेस होती हैं उसे लीकेज होने से रोकने के लिए। जब भी दोस्तों, ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी आपको रिंग सेट पिस्टन पर रिंग सेट करते हैं तो उसको तीनों अपना डिफरेंट पोजीशन में होना चाहिए, उनका मुंह एक सीध में कभी भी ना रखना चाहिए, जिससे कि आपका कंप्रेशन लीकेज ना हो। और जब भी आप सिलेंडर पिस्टन और रिंग का काम करें तो आपको रिंग हमेशा नया रिंग ही यूज़ करना चाहिए, पुराना रिंग ना यूज़ करें। और गैस्केट को भी कोशिश करें, गैस्केट को भी नया गैस्केट डालें। पिस्टन को आप एक बार यूज़ कर सकते हैं उसको, लेकिन जो रिंग्स होती है उनको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जिससे कि आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।